का गुजराती नो एनर्जी ड्रिंक। सब लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके का रूम है। What's up guys? कैसे हो आप सभी लोग? Welcome back to my YouTube channel। तो आप सभी का स्वागत है आज के एक और नए वीडियो में। तो आप लोग को हमारे कपड़े और हेलमेट वगैरह देखकर आप लोग को अंदाजा आ ही गया होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो हम लोग निकल चुके हैं ट्रिप पे, क्योंकि घर से ब्लॉग नहीं स्टार्ट कर पाए क्योंकि बहुत अंधेरा था। तो आप लोग देख सकते हो हम दो तीन बाइक से अभी चार पांच बाइक और आ रही है। तो अभी यहाँ पर पेट्रोल की टंकी फुल करवाते हैं क्योंकि पेट्रोल वाला अभी ये भरवाने के नहीं है। ठीक है, तो आप लोग को पता चल जाएगा मैं कहाँ जा रहे हो, तो आप लोग वीडियो में बने रहना। ठीक है, ऑल राइट। तो देख सकते हो इतनी सारी बाइक से, ये हमारा जॉन भाई। तो लोग तो बनवा पड़ा यार। तो फाइनली यार निकलने की तैयारी पूरा हम लोग तैयार हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हो हेलमेट वेलमेट लगा के एकदम रेडी टू रोल। कहाँ जा रहा हूँ आप लोग वीडियो में बने रहना। ठीक है, आप लोग को पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। आप लोग ने देखा तो पेट्रोल गाड़ी की टंकी फुल हो चुकी है। तो बस सुबह वाला पेट्रोल पंप तो बंद था, तो क्या कर सकते हैं। ये दो तीन किलोमीटर अभी 50 किलोमीटर दूर आना अपना पेट्रोल पुराने के लिए। हम खड़े हैं, ये हमारे दिलीप भाई जो कि सुबह सुबह काफ़ी अच्छी एंट्री मारते हुए, और आगे अभी पीछे अभी 5 बाइक और है तो वो आते फिर निकलते हैं, क्योंकि अभी 150 किलोमीटर और बाइक चला नहीं रहे। कहाँ जा रहा हूँ वो आप लोग को आगे पता चलेगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करना और वीडियो में बने रहना। ये मासी पैसे लेने के लिए खड़े हैं, हम तो उसको पैसे देते नहीं। हम यार काफी आगे आ चुके थे पेट्रोल पूरा के, पेट्रोल तो हमने भरवा लिया पर लेकिन हमारी एक बाइक था उसमें कुछ दिक्कत आ गई। तो मेरे दोस्त लोग उस बाइक में कुछ काम करवा रहे, तो हम यहाँ पर रुक चुके हैं। आप लोग देख सकते हो ये हमारी खड़ी बाइक, ये रहा हेलमेट, और ये रहा मेरा दोस्त सुजीत दाबसरा। लेकिन काफ़ी दिनों के बाद आ रहा है, पहले बोला था ब्लॉग में आने के लिए लेकिन आज हमारे साथ घूमने आया है, तो आज इसको भी ब्लॉग में ले लिया है। ये वो प्लेस इसने कभी देखी नहीं, तो उसने बोला कि मुझे आना, तो चल मैंने बोला तू भी आ, तो उसको भी दिखाते हैं और आप लोग को भी दिखाते हैं। क्योंकि जो जगह जाने वाले वो जगह एकदम नेक्स्ट लेवल है, एकदम ऑसम। अगर आप लोगों ने देखी होगी तो ज़रूर बताना। तो फिलहाल तो अभी वेट करते हैं यहाँ पर क्योंकि बाइक ख़राब हो चुकी है, तो सब लोग आते हैं फिर निकलते हैं। लेकिन देखो अपनी बाइक कैसी चमचमा रही है यार। अभी यार मैं रोड साइड खड़ा हूँ इसलिए थोड़ा शोर आए तो इग्नोर करना। हम लोग जहाँ जाने वाले, तूने वो जगह देखी है? मैंने वो जगह नहीं देखी, वो बोल रहा है चल मेरे साथ घूमने, मैं बोला चल जाते। तो वो जगह हम जहाँ जाने वाले वो जगह इसने देखी नहीं है, तो वो बोल रहा था मुझे भी आना, तो इसको भी साथ में ले लिया है। और साथ में 5 बाइक और है, ये हमारी मिला के 6 बाइक है, टोटल हम 12 लोग हैं। तो इसको भी दिखाते हैं और आप लोग भी दिखाते। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में बने रहना। चाय का पहला ब्रेक, आज का पहला ब्रेक, करीब करीब 9:30 हो चुके हैं अभी, और घर से निकले थे 6 बजे, तो पहला ब्रेक ले लिया क्योंकि चाय की तरफ तो चाय की तलब होती है, चाय के बिना तो नहीं रहा जाता। बहुत अच्छी है दोस्त लोग, चाय पीने है तो खांबा आ जाओ, वो खांबा बना रहे जोर का। जो चाय की तलब होती है ना, वो सिर्फ चाय लवर ही समझ सकते हैं कि चाय चाय क्या होती है। जो नहीं पीता उसको तो नहीं पता, लेकिन चाय चाय होती है। वो क्यों तुम्हारू साविश चाय हमारी वाली और ये सब दोस्तों की,
अभी एक और बाइक आनी है, टोटल 5 बाइक है। आज का पहला ब्रेक चाय पानी का अल्पेश भाई, लग दे एकदम फौजी टाइप, देख लो। इनका गांव हमारे गांव से करीब करीब 50-60 किलोमीटर दूर है, फिर भी हमारे साथ घूमने के लिए आए हैं। और सुबह की चाय पहली चुस्की अंकल चाय सबको बांटते हुए, जान जान भाई को बहुत ही ठंडी लग रही है। एक नंबर एक गुजराती नो एनर्जी ड्रिंक है, गुजराती लोगों के है ना वो एनर्जी ड्रिंक आता है रेडबुल जैसा, ये चाय है ना गुजराती लोगों की एनर्जी ड्रिंक है। ना खत्म और रिव्यू हूँ सा विषय जय वेलनाथ होटल, ठीक है। यहाँ पर सब लोग चाय पी रहे हैं वन बाय वन, मैं तो नहीं पीता बहुत चाय। यार 11 बज चुके हैं, एक और ब्रेक, ये खड़ी सबकी बाइक्स, ये सब खड़े, अभी दो बाइक्स और पीछे है, उनका वेट हो रहा है वहाँ पर, ठीक है। सुबह 6 बजे निकले थे घर से, 6:30 बजे निकले, ठीक है। ये है ऊना पहुँचने वाले हम यार, तो ये रहा हाईवे, देख लो यार हमने स्वेटर वेटर लगा लिया क्योंकि धूप बहुत सर पे आ रही है और मौसम एकदम गर्म हो रहा। यहाँ पर गन्ना का एक और मावा खाते हुए, पिछले क्लिप में इन्होंने एक और मावा खाया था, यहाँ पर एक और मावा खा रहे हैं क्योंकि मावा गुजराती लोगों का टॉनिक है एकदम, वो बोलते हैं ना प्रोटीन शेक, मावा खाए बिना गुजराती लोगों को नहीं चलता। तो अभी धूप बहुत हो चुकी है, करीब अभी पहुँचते पहुँचते मेरे ख्याल से दोपहर हो जाएंगे। एक और बाइक आ चुकी है, ठीक है, अभी हाईवे पे खड़े यार, अभी एक और बाइक आएगी तो फिर निकलते हैं। हम फाइनली पहुंच चुके हैं यार, और मैं आप लोग को मैंने नहीं बताया कि मैं कहां पे आया हूं, तो मैं आया हूं दीव, आप लोगों ने गुजरात आए होंगे और दीव का नाम सुना होगा, तो मैं वहीं पे आया हूं, ठीक है। तो पीछे यार वो धूप आ रही है इसलिए आप लोग को पीछे का सीन दिखाता हूं, ठीक है। और हमने यहाँ पर रूम भी रख लिए, ये पीछे रूम है, ये रहे हमारे सुजीत भाई, काफ़ी फॉर्म में, तो कुछ कोट बोट दिलीप को ठंड लग रही है, बहुत बढ़िया। नाग वापिस ओके, चलो निकलते हैं, ना ना जाना है तो ये कुछ है बालकनी और ये है हमारा रूम जहाँ पर सब लोग अभी रेडी हो रहे हैं, यहाँ पर कंचाम बैठे हुए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का रूम है और यह बिहार का व्यू देखो, क्या ही नज़ारा है, देव की तो यही खासियत है, समुंदर के किनारे हम बैठे अपने सहारे। तो पहुंच चुके यार, सुबह 6 बजे में निकला था, तो 6 बजे अभी बज रहे करीब अभी बज रहे 11:30, आप लोग अंदाजा लगा 5.5 घंटे लगे हमें यहाँ पहुंचने के लिए, तो पहुंच चुके। एक पीछे का व्यू कैसा है गाइस आप लोग मुझे बताना यार, तो अभी तो मैं पहुँचा ही हूँ, अभी आप लोग को और जगह भी दिखाता हूँ, ठीक है।
तो पहले मैं रेडी होता हूँ फिर निकलते हैं, क्योंकि 6-5 घंटे से यार बाइक चला रहे तो बहुत थक गए। तो आप लोग पीछे का नज़ारा कुछ देख सकते हो, कुछ इस तरीके का है। तो रूम में सब रेडी हो रहे हैं, तो यार मैं भी रेडी होता हूँ फिर निकलते हैं। तो सब लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके का रूम है, सब लोग रेडी हो रहे हैं। मजा आता है, निकल निकल सच मन पर वाल वो हो रहे मजा निकल बाहर जाओ दल तू। ओ है अल्प टी शर्ट लिया हो तू इधे हाँ 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 तो राइट। तो यार नागवा बीच में हमारी एंट्री हो चुकी है, ये रहा गेट आप लोगों ने देखा ही होगा। तो फाइनली यार अंदर आ चुके हैं और कुछ इस तरीके का है नज़ारा नागवा बीच का। लेट्स सी दिस गाइस हाउ इज इट, क्या ही नज़ारा है आप लोग देखो एक बार। अभी और अंदर जाता हूँ और आप लोग को और अंदर दिखाता हूँ, एक बार आप बाहर से भी देख लो। ये नागवा बीच कुछ इस तरीके का है, सब लोग यहाँ पर एंजॉय करते हुए बहुत ही बढ़िया तरीके से। अब जा रहा हूँ नीचे नागवा बीच में, यार अपनी एंट्री हो चुकी है, देख सकते हो कुछ इस तरीके का है नज़ारा। और देखो यार इधर बोटिंग वोगिंग सब कुछ हो रहा है, जेट स्की वगैरह सब कुछ लगे हुए हैं। यहाँ पर एक बोट जा रही है सबको खींच के, ठीक है। तो देखो कैसा है यार, एकदम नेक्स्ट लेवल, ठीक है। वो भाई साहब यहाँ पर सारी राइड्स है, आप सभी राइड्स में आ सकते हो, ठीक है। मैं आप लोग को दिखाता हूँ, क्योंकि वीडियो मेरे ख्याल से बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप लोग देख लो यार। यहाँ पर एक बोट जा रही है, तैयारी हो रही है इसकी जाने की। यहाँ पर एक और खड़ी है रिंग, यहाँ पर फोन नंबर भी लिखा हुआ है भाई का। तो इधर एक बनाना राइड है, तो बोलते ना केला, इसके ऊपर जाकर एक और राइड होती है इसमें, आप लोग जाना चाहते हो जा सकते हो, ठीक है। इधर इधर क्या बोलती है इसको जा रही है, मुझे नाम नहीं आता यार। यहाँ पर एक और है देखो, सब लोग इधर बैठ कर चिल कर रहे हैं एकदम मज़े से। यहाँ पर देव नागवा बीच, जो कि वो जब राइड पे जाने जाते हो ना, तो राइड पे जाने के लिए आपको वहाँ से बुकिंग करना पड़ता है, तो पहले पैसे देकर, ठीक है। क्या बात है यार, एकदम मज़ा आ रहा, क्या ही बात है। देव का तो ये यार खासियत है, तो देखो यार कैसे मज़ा आ रहा है। आप लोग यार एक बार देव जरूर आना, ठीक है। ये सारी राइड्स है यहाँ पर, ये देखो ये एक और साइकिल आ रही है यहाँ पर, मैं इसको साइकिल बोलूँगा, ठीक है। राइट तो यहाँ पर यार केला राइड शुरू हो चुकी है, देख सकते हो यहाँ पर एक बड़ा बनाना जो कि सबको खींच के जा रहा है। तो हम भी यहाँ पर निकलते हैं यार एक और दूसरी राइड, और सब लोग कितने मज़े से नहा रहे हैं यार यहाँ पर पानी के बीच में। यार क्या दो मस्त राइड है देख लो, एकदम एक है बतख और दूसरा है ड्रैगन, ठीक है। ये वाली बतख है और ब्लू वाली ड्रैगन है, तो आप लोग जाना चाहते तो जा सकते हो। पूरा पैकेज का कितना भाव है मैं आप लोग को थोड़ी देर बाद बताता हूँ, अंकल से बात करके, ठीक है, आपको पैकेज का भाव बताता हूँ। तो लेट्स सी दिस गाइस एकदम, तो आप लोग आओ यार एक बार देव जरूर आना यार। देव 6-7 घंटे की राइड करके, ठीक है। तो ये देव का नागवा बीच कुछ इस तरीके का है, पीछे देख सकते हो यार। अभी तो हम 4 लोग इधर खड़े हैं, अभी पीछे आ रहे हैं यार 8-10 लोग और आ रहे हैं, लेकिन दीव है बहुत सुंदर, कैसा एकदम बीच। यहाँ पर दीव का एक ही बीच है जो कि नागवा बीच। ओ भाई यार क्या ही नज़ारा एकदम, देखो यार कितनी सारी राइड्स है यहाँ पर, आप लोग किसी में भी बैठ सकते हो। आप लोग को अभी थोड़ी देर बाद में आपको बताऊंगा कितने कितने राइड में कितना पैसा लगता है, ठीक है, थोड़ी देर बाद। लेकिन इस आप लोग व्यू का मज़ा लीजिए, क्योंकि एकदम नेक्स्ट लेवल। धूप आ रही है इससे ठीक से रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा, तो आप लोग देख लेना, ठीक है।
एकदम जकास यार, ऑसम। देखो अपने भाई लोग है ना, एकदम लवली नजारा। तो चलते चलते रुकते रुकते धूप काफी बढ़ चुकी है, सूरज बिल्कुल सर पे आ चुका है और पसीना पसीना। तो यही तो दीव की असली खासियत है। दीव मा बहुत मजा आ, तो तमे पण आओ यार दीव मा, तो आप लोग भी आए ठीक है। गुजराती हिंदी दोनों में बोल रहा हूँ, आप लोग को जिस लैंग्वेज में समझ आए तो समझ लेना। लेकिन यार इसका व्यू देखो एकदम, ये देखो यार दारू का सस्ता नचा ऐसा होता है। दीव में आया तो दारू नहीं पिया तो क्या हुआ यार, सब लोग ऐसे हो जाते हैं, सब लोग यार जिंदा लाश हो जाते हैं दीव में, क्योंकि दारू एकदम सस्ता मिलता है तो सब लोग देवड़े होके इधर से उधर टल्ली होते हैं। आप लोग को और ठीक दिखा देगा, 1500 रुपये में फुल पैकेज मिलता है सब राइड का। देख लो यार ये कुछ है, सब राइड का पैसा लिखा है इधर से उधर। आप लोग राइड में जाना चाहते हो तो इधर फुल पैकेज है इसका 3000 रुपये, और अगर आप लोग जाना चाहते हो कुछ डिस्काउंट भी हो जाएगा। तो पीछे का समंदर देखो है बहुत बढ़िया, लेकिन दीव है बहुत बढ़िया। वो पीछे पहाड़ है ना उस पर लिखा है दीव, अभी वहाँ पर पानी भरा है इसलिए आपको नहीं दिखा सकता, वरना वहाँ पे जाता पहले पानी नहीं होता था, पर अभी पानी भरा हुआ है। सोच रहा हूँ यार मैं भी नहाने जाऊँ यार, कब से इधर उधर मैं भी घूम रहा हूँ तो सोच रहा हूँ थोड़ा नहा लूँ, क्योंकि अभी खाना बाकी है, अभी दोपहर के बज रहे हैं, करीब करीब 1:30 बज चुका है। ऑल राइट यार, तो सब लोग सब बस आ चुके हैं और नहाने की पूरी तैयारी, आप लोग देख सकते हैं सब लोग रेडी हो रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ यार मैं भी नहाने जाऊँ, थोड़ी बार देखते हुए नहाने जाओ या ना जाओ, देखते यहाँ पर घंटा में कपड़े चेंज कर लिया है, ऊंधो पहनू उल्टा टी शर्ट है। बीच पे यार नहाने की पूरी तैयारी, अब नहाने जा रहे हैं ठीक है, तो अभी सीधे सीधा मिलते हैं अंदर बीच के अंदर, क्योंकि 12 बजे से इधर उधर घूम रहे हैं, तो अब नहाने जा रहे हैं। तो फाइनली यार नहाने की तैयारी हो चुकी है, आप लोग देख सकते हो मैं कपड़े पूरे निकाल के आ चुका हूँ, मैंने अभी टी शर्ट ही निकाला, तो सोच रहा हूँ यार नहाने जाओ तो आप लोग को बता के चलू, तो नहाने जा रहा हूँ ठीक है, अब नहा के मिलते हैं। देखो अपने भाई लोग यार कैसे नहा रहे हैं यार, यहाँ पर गंजाम की तगड़ी एंट्री यार, क्या बात है यार, क्या हाल चाल है भाई लोग। दीव में क्या है, देख लो यार दीव में यही है यार, इसके बिना कुछ नहीं है यार। वो बोल रहे हैं ना व्हाट्सएप लवली पीपल, तो यार फाइनली दोबारा से नहाने जा रहे हैं, क्योंकि आधा नहा के तो आ गए थे वो भाई लोग, बनाएंगे अभी पानी के अंदर थोड़ा शूट करेंगे, भाई लोग बोल रहे हैं कि आप लोग अंदर से शूट करो यार, तो अभी यार पानी के अंदर जा रहे हैं ठीक है नहाने के लिए, तो आप लोग देख रहे हैं। दीव ने देखा तो कुछ नहीं देखा। What's up guys, कैसे हो आप सभी लोग, हम जो दीव पे क्या हाल चाल भाई लोग, नहा के आ चुका आप लोग देख सकते हो, मैंने कपड़े चेंज कर लिया, टी शर्ट तो अभी वही है, तो होटल पे जाके यार वापस से चेंज करता हूँ। आप लोग देख सकते हो पीछे सब लोग रेडी हो चुके हैं, तो यार मैं 3-3.5 घंटे से नहा रहा था, लेकिन इतना मज़ा आया, लेकिन बात मत पूछो। देव की एक बात बहुत यार प्यारी है, यहाँ पर आप लोग को कचरा कहीं पे नहीं दिखाई देगा, क्योंकि क्लीन सिटी है। यहाँ पर हमारे जोन भाई काफ़ी नींद में आते हुए, तो सारे भाई लोग यार यहाँ पर फोटो खींचते हुए वन बाय वन, यहाँ पर घनश्याम का चौथा मावा, यहाँ पर मावा खाने की तैयारी, यहाँ पर भाई लोग यहाँ पर फोटो पाड़ने की रिक्वेस्ट आ रही है सारी तरफ से,
क्या था उसे क्या ब्रो? कैसे हो आप सभी लोग? हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और तो यार सारे भाई लोग बोल रहे हैं यार चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दो वीडियो को। सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो? चैनल को सब्सक्राइब। तो यहाँ पर सबका फोटो सेशन खत्म हो चुका है, सब लोग फोटो खींच तो फ्री हो चुके हैं, तो निकल रहे होटल की तरफ। यहाँ पर घनश्याम काफी फॉर्म में है क्योंकि सबके फोटो इतने खींचे है, मेरे मोबाइल की उन्होंने मेमोरी फुल कर दी है। तो देख सकते हो यार सारे भाई लोग निकलने की तैयारी। और ये देखो दीव का कुछ नजारा इस तरीके पीछे का। YouTube चैनल को लाइक करो, तो ये सब्सक्राइब करो। ये हमारे भाई लोग कुछ ऐसे मजे में। क्या हाल चाल भाई लोग? ये है दीव की मौज यार। या ब्रो क्या बात है यार। तो हम लोग होटल में पहुंच चुके हैं, आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके का होटल है। अभी सारे भाई लोग गए कुछ खाना लेने के लिए, तो खाना खाते हैं। ख्याल से ये वाला ब्लॉग यार पहले ही बहुत लंबा हो चुका होगा, तो ये वाला वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोग को ये वाला वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। आओ जाओ।